we got stakes for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put on work, no Vladimir. Hello, namaste, sashyakal adab, mere dosto, welcome back to my channel. Aaj ka video is a road trip, is a motor vlog, because I am going from Indore to Orchha. ओरछा में आई हैव टू अटेंड अ वेडिंग. एक छोटा सा हल्ट हम झांसी में भी लेंगे. इट्स ए 500 किलोमीटर्स ड्राइव टुडे. इट्स 29th of November 2021. सो लेट्स स्टार्ट. जिन लोगों को भी इंदौर से ओरछा जाना है या रिकमेंडेशन चाहिए तो दे कैन फॉलो दिस व्लॉग थ्रू आउट. मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ अबाउट द टोल्स, जैसा भी रास्ता होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. पेट्रोल जीरो. आज पेट्रोल कीमत है 107.29 रुपीज़ पर लीटर. एंड आज की रोड ट्रिप है विथ माई बिलव्ड अक्की. और हम लोग कॉलेज टाइम से ऐसी रोड ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, बट आज फाइनली हो पाई. सो हम लोग जा रहे हैं अभी इंदौर में ही है, जस्ट फ्यूल्ड अप. अभी अपना हवा चेक करा रहे हैं गाड़ी की एंड देन वील हेड. सो राउट इज सेम, इंदौर टू गुना, गुना टू झांसी एंड झांसी टू देन ओरछा. हम झांसी में ब्रेक लेंगे देन वील हेड टू ओरछा. सो कैसा लग रहा है अक्की अबाउट द ड्राइव, अबाउट गोइंग टू ओरछा एंड अबाउट द शादी? शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है हम, क्योंकि पंडित की शादी हो रही है. पंडित मींस हर्ष मिश्रा. हर्ष मिश्रा पहुंच गए हैं पहला टोल इंदौर क्रॉस करते हुए. सो बेसिकली इंदौर से झांसी अगर आप जा रहे हो तो 8 टोल आते हैं रास्ते में एंड ओरछा हम लोग जा रहे हैं, बट झांसी से ही होके जाएंगे तो अगेन वी हैव टू गो थ्रू 8 टोल्स. So you need to take this right for झांसी. So जब आप देवास bypass पकड़ते हो तो एक flyover के नीचे से एक route जाता है भोपाल के लिए and the other one जो next उसके बाद flyover आता है उसके नीचे से you are supposed to take a right to head to Guna and then झांसी. I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. We have switched seats now और अभी हम लोग almost मक्सी पहुँचने वाले हैं और काफ़ी टाइम बाद सीट बेल्ट प्लीज. सो काफ़ी टाइम बाद हम कहीं भी जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, तो पहली बार जा रहे हैं यार. हमेशा सोचा था ना अपन ने ऐसा कुछ होना चाहिए. काफ़ी टाइम बाद हो रहा है बट अच्छा है. और जाते ही साथ दो तीन दिन पार्टी पार्टी पार्टी, कोई काम नहीं, बिल्कुल कॉलेज वाली फील आ रही है यार एकदम. और अपन बड़े भी नहीं हुए हैं. और बताओ आकाश, कुछ याद दिलाओ यार, कुछ कॉलेज का किस्सा सुनाओ हमारी ऑडियंस को जो आपको याद हो. सबसे बढ़िया किस्सा है जब पंडित हर्ष शादी में जा रहे हैं. सबसे बढ़िया जो अपनी मेमोरी है कार से रिलेटेड, वो जब हर्ष उसके घर से कार लेके आया था और सरप्राइज था अपने लिए, अपने को पता नहीं था कि कार आ रही है अपने रूम पे. और अपन ड्राइव पे निकले कि बाईपास जाना है और वी एंडेड अप गोइंग टू हनुमंतिया. वहाँ पे कुछ भी नहीं है, घर के लोअर ओवर और वैसे ही लोअर ओवर घर पे. रास्ते में हमने सोचा कि यार एटीएम नहीं है, फिर शायद यू सेड कि हाँ मेरे पास है, चलो चलो पेट्रोल डलाओ एंड लेट्स गो. हनुमंतिया इज अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर. और रात रात भर हम लोग घूमते रहे ना, रात पूरी रात पूरी रात भर अपन वही पानी के आसपास 4-5 बजे अराउंड वहाँ पहुंचे थे. और सुबह सनराइज देखा, सनराइज देखा, फोटोग्राफी सारी. यस यस वाओ. और उस टाइम सिंहस्थ भी था, सिंहस्थ भी गए थे. कुंभ, महाकुंभ उज्जैन का, वहाँ भी गए थे हम लोग. तो कार अपने रूम पर आई थी वो. ऐसे तो बहुत बार आती रहती है गाड़ियाँ, लेकिन जब अपनी हो जाती है तो एक बार हम
खंडवा जाके कार लेके आए थे। अरे यार वो तो खैर जिस स्पेशल कारणों से बट उस टाइम भी क्या 10 दिन क्या मजे मारे थे यार कार लेके। गाड़ियों का शौक रहा है। एक बार याद है कॉलेज में हमने डिसाइड कर लिया था कि चलो 800 उठा लाते हैं, एक वो सेकंड हैंड मिल रही थी, सारा कुछ पैसे कम पड़ गए थे बस। 30,000 की थी और बजट से थोड़ी बाहर हो गई। कॉलेज में उतना ही रहता है यार, तब भी हमने अच्छा 20,000 तक कर लिए थे लगभग। बट नाइस यार, इस रास्ते पे मैं इतनी बार जा चुका हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शहर में ही गाड़ी चला रहा हूँ कम से कम 10-12। और गाड़ी को 1 साल हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू विन, हमारी गाड़ी को 1 साल हो चुका है और 1 साल में 18,565 चल चुकी है। काफ़ी घूमी हुई है, काफ़ी स्टेट्स घूमी हुई है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा। अभी हम लोग हैं राजपूत होटल, यहाँ पर माऊ गांव है शायद आसपास, एंड गुना इज अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स तक। ये सर इंटो नहीं किसी की गुना पहुंच गए हैं। इनफैक्ट गुना से थोड़ा आगे हैं एंड वी आर एट दी चूला चौका रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। हम लोग इंदौर से झांसी या झांसी से इंदौर जब भी आते हैं, सो वी ऑलवेज कम हियर, गुड फूड एंड गुड प्लेस आल्सो। पनीर ले लो, काजू पनीर हो जाएगा, काजू पनीर हो जाएगा, पालक पनीर हो जाएगा, पालक नहीं, काजू पनीर एक साथ नहीं होगा क्या? आ चुका है हमारा, दिस इज दाल फ्राई, यस सर, और पापड़। हमारे पास चूला चौका से ब्रजराज जी हैं, बहुत ही अच्छा खाना है। मैं बता दूँ, मैं झांसी इंदौर रूट पे काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ एंड हमेशा दिस इज़ द फिक्स प्लेस। अगर हम झांसी से आ रहे हैं तो भी हम यहाँ पर खाते हैं, अगर इंदौर से जा रहे हैं तो खाते ही है, खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। USPs पता चली हमको चूला चौका की, जैसे व्हाटएवर यू ईट हियर, ये यहाँ पे ऑर्गेनिक यहीं के फार्म की वेजिस से बनता है, उन्होंने डिस्प्ले भी लगा रखा है। और एक और जो यहाँ की USP है वो ये है दैट ये पीछे 60 फीट लंबे पोल पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और सुबह रोज़ 10:10 पर स्पीकर्स पे नेशनल एंथम होती है यहाँ पे। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है चूला चौका की, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी आए, अगर आप यहाँ पर चाय भी ले रहे हो, कॉफ़ी भी ले रहे हो, छोटा से छोटा आइटम भी आप लोगे तो दे गिफ्ट यू अ प्लांट, छोटा सा प्लांट। और वही हुआ, वी गॉट अ गिफ्ट चूला चौका से, ये छोटा सा प्लांट। नाइस प्लेस। अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते आ चुके हैं और आधा भी नहीं, यहाँ से अराउंड 170 किलोमीटर है झांसी। वील हेड टू शिवपुरी, 100 किलोमीटर शिवपुरी है, देन 100 नहीं, शिवपुरी 75 किलोमीटर समथिंग, एंड उसके बाद फिर झांसी है। और चूला चौका पे मैं कई बार आया, चौका चूला पे मैं कई बार आया बट ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पहली बार पता चली कि आप यहाँ पर चाय भी पियो, कॉफ़ी पियो, छोटी सी चीज़ भी लो तो दिल गिफ्ट यू प्लांट। फिर यहाँ पे एक 60 फीट का इंडियन फ्लैग लगा हुआ है जो रोज़ 10:10 पर होस्ट होता है और नेशनल एंथम बजाई जाती है, प्लस यहाँ पे जो सब्ज़ी बनती है वो उन्हीं के ऑर्गेनिक फार्म से बनती है, सो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग झांसी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर हैं एंड वी आर एंजॉयिंग दिस व्यू, पीछे भी और आगे नदी है, हाईवे, बट वी आर सेफ, हम लोग एकदम साइड में हैं, नॉट ऑन द हाईवे एट ऑल। और यहाँ पे एक पीछे मंदिर भी है, सो या जल्दी से झांसी पहुँचते हैं देन टू ओरछा। बूम, सो वी आर स्किपिंग टू द गुड पार्ट और हम लोग अभी तक ओरछा नहीं पहुँचे हैं कल के निकले हुए,
सो कल शाम को यहाँ आने के बाद वी गॉट एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो रात कब हो गई पता नहीं चला, थके हुए थे तो सो गए. एंड इट्स 30th of November 2021 और हम लोग अब निकल रहे हैं ओरछा के लिए फ्रॉम झांसी. तो कल रात हम झांसी में रुके. अगर आज 30 है यार, कल निकले थे 30, कल थी 29. आज है ना 30 और 1 को. सॉरी सॉरी. सो आज है 30th of November 2021 और हम लोग अब झांसी से निकल रहे हैं ओरछा के लिए. मुझे लगता है 25-30 मिनट, आधे घंटे एक घंटे में पहुंच जाएंगे, कितना भी आराम से जाएं. एंड वी आर गोइंग टू पिक अप दीदूला. दूल्हे राजा विदास, कैसा लग रहा है आपको दूल्हा बनके? बस यार कट रही. सुबह से कट गई. एंड मामा जी, मामा जी कैसा लग रहा है आपको बहू लाके? बहुत खुश हो रही है. क्या अभिलाषा है बहू से? कच्ची कच्ची खिलाए, उसका ही ख्याल रखे. चार पैसे हमें मिल जाए. खाली बहन को ध्यान रखना, नहीं जब भूखे ना पाए उगाड़े. तो ये चलाए, ये क्यों चलाएगा? बोल जा भाई. आया पांडे. यस सो बताइए कुछ मिक्स फीलिंग्स. You are on my vlog. अभी बस हम कमरे बांटने हैं, ठीक है? सबसे बड़ा मैटर वही है, ठीक है? कुछ फूफा टाइप के लोग आ रहे हैं. तो किसका मुंह कैसा? YouTube पर सब देखने वाले हैं. एंड हमारी चाची, हाय बोलो चाची. आ चुके हैं शादी के वेन्यू, दैट इज बुंदेलखंड रिवर साइड. और ये जा रहे हैं हम शादी देखने के, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं. ओ नाइस, रिवर साइड है, छतरी है. देख लो हमारे, दिखा दो तो कछु. दूल्हा रिवर साइड आ चुके हैं. रिवर साइड में दूल्हे अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं कि कहां पर क्या क्या मैटर है. यस, इसको भी सजवाना. एंड ऋषभ, एक और शादी इस साल से, एक और शादी करवाते हुए. ठासू एक्सपर्ट मैं करवाऊंगा कि दो तीन लोगों की और मैनेजर को ठास देते हैं. ये क्या होता है ना, एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले सारे खतरनाक लोगों को सेटल करवा दो. और फिर वो तुम्हारी शादी में ही ना आ पाए. सो बुंदेलखंड रिवर साइड के, रिवर साइड पे हम आ गए हैं. तो गाड़ी से सामान भी ले आते अपने हमारे रूम के अंदर. एंड देन वी हैव दिस अमेजिंग आर्टवर्क जिसमें सुअर शेर का शिकार है. दिस इज व्लॉग चल रहा है. एंड देन यश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्टवर्क? सुअर शेर का शिकार कर रहा है. चलो भैया, कोई किसी से कमजोर नहीं होता है. Okay. कमजोर तो ठीक है, पर दूसरी साइड जैगवार था. मतलब शेर नहीं लग रहा, जैगवार लग रहा है. उसका बाइट फोर्स इतना शेर से ज्यादा होता है जैगवार का. भाई पर तुम लोग समझ नहीं रहे हो, शिकार नहीं कर रहा. देखो उसका मुंह के अंदर नहीं है पेट, वो ऐसे टिका है मुंडी वसंत. मारो दौड़ भी रहा है भैया, जैसे देखिए खेल रहा है. वो खेल रहा है, बेसिकली वो खेल रहा है भाई. ये वो है प्यार, है ये प्यार है सुअर शेर का. हो गई उनकी तो ये, पर ये पापी जमाना मिलने नहीं देगा इन्हें. मिलन नहीं हो पाए. जात पात धर्म के नाम पे तो मैं एक नहीं होने देगा. क्या बोलते हैं, सोचेगा. ये भी मोहल्ले, ये भी मोहल्ले के सुअरों का आशिक है. ये मेरा भैया, मेरा जनेऊ इज डन. ये जनेऊ कुछ भी बाथरूम का काम करने के लिए उसको ऐसे करना पड़ता है. नाउ यू आर अ बोनाफाइड पंडित. हाँ, you cannot eat non-veg. अब कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते हम. So it's हल्दी टाइम. आइए अक्की. और हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जो कि होटल के अंदर ही है. Yes. And we have दूला, विकी, अक्की. We all are dressed up in yellow because it's हल्दी. Brown Monday, Brown Monday. How did she get it?
कौन से गाने पर डांस करना नहीं हम सब पे करेंगे। हाई गर्मी पे होगा डांस, हाई गर्मी पे डांस होगा ही होगा, और वो वाला स्टेप भी होगा जो उसका स्टेप है। वो गाना जरूर पक्के से लगाना। हर्ष और महिमा, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत प्यारे हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर्ष मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं हर्ष को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया है एंड ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर प्रेजेंटिंग हिज संगीत सेरेमनी इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, एक बार एनर्जी बरकरार रखिए सभी लोग, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। We have Rinky with us. Ek baar do baar daliya Rinky ke saath. For the next performance. It's time to call it a day, guys. I hope you enjoyed the road trip to Orcha and Harsh ki Sangeet ceremony. अभी यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं हुई है, कल शादी बारात एंड बहुत सारा फन इज अवेटिंग, बट ये व्लॉग यहीं खत्म करेंगे। सो आई होप टू सी यू गाइस सून अगेन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, आई एम गोइंग टू कम हियर वेरी सून। पीछे आफ्टर पार्टी चल रही है, बहुत सारा साउंड था, सो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू अ क्विक अपडेट। सी यू सून।